24 घंटे बिजली मिलने का बखान कर रहे थे महापौर, तभी चली गई लाइट, बोले कभी कभी हो जाती है ट्रिपिंग की समस्या। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और मध्य प्रदेश के राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और उपलब्धियां बताने के लिए रीवा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करने सतना के महापौर योगेश ताम्रकार रीवा आए। इस दौरान उन्होंने तमाम योजनाओं का बखान किया। इस दौरान महापौर योगेश ताम्रकार बिजली का उत्पादन का बखान कर ही रहे थे कि तभी बत्ती गुल हो गई। इस पर उठे सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए पूर्व सरकार के कार्यकाल की याद दिलानी शुरू कर दी। सतना महापौर ने रीवा में हुई पत्रकार वार्ता में बताई सरकार की उपलब्धियां। रीवा की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजन के समय सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये को डबल इंजन की सरकार है। उसके कारण आज जब कभी हम 2003 के पहले की बात करते हैं तो लोग प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है ढूंढने की बात करते थे। आज इसी मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे, प्रदेश के रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, इनका जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है उसे लेकर जनता ही कहने लगी है कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे और सड़कें होंगी। जिसका जीता जागता उदाहरण भोपाल का रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है। कहा देश और प्रदेश में है बेहतर सड़कें, बता रहे हैं आंकड़े। महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि कई लाख किलोमीटर की सड़कें भी अच्छी कंडीशन की बन चुकी हैं। यह कार्य निरंतर चल रहा है, इसलिए मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में सड़कों का अभूतपूर्व कार्य हुआ है, वह मध्य प्रदेश या फिर रीवा भर में ही नहीं, अगले आने वाले कुछ सालों में एक भी सड़क ऐसी नहीं बचेगी जहां आपको गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि काम बहुत तेजी से हुआ है। पत्रकार वार्ता में बत्ती गुल होने पर दिलाने लगे पूर्व सरकार की याद। सतना महापौर योगेश ताम्रकार पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का बखान कर ही रहे थे कि अचानक से बत्ती गुल हो गई और 24 घंटे बिजली देने के वादे की पोल खुल गई। सवाल करने पर महापौर ने पूर्व सरकार के कार्यकाल की याद दिलानी शुरू कर दी और कहा कि 2004 के पहले हम बीमारू राज्य माने जाते थे। हमारे मध्य प्रदेश के बिजली का उत्पादन कुल 3800 मेगावाट था, आज हम 26,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिजली की कमी नहीं है, पावर सरप्लस स्टेट है। मैं तो रीवा में बैठा हूँ, आप सब लोगों को जानकारी है कि रीवा के गुड़ क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जहाँ 700 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, मेंटेनेंस को लेकर कभी ट्रिपिंग की समस्या होती है और आगे भी हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।